कल और भविष्य की तरफ देखते हुए हमारे को इन चारों क्षेत्रों में अपनी प्रगति करनी है। आपने देखा होगा, अगर आप पिछले 8 सालों के अंदर में देखें तो स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमेटिक चेंजेस बहुत सारे हुए हैं। मान लिया जाए कि CDS का वो था, पिछले 22-25 साल से पड़ा हुआ था, ये डिमांड थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने के कारण ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई। हमारे यहाँ साइबर थ्रेट्स पैदा होने शुरू हो गए थे, डिफेंस साइबर एजेंसी का निर्माण एक स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमिक चेंज था, डिफेंस स्पेस एजेंसी का। आज से 5-10 साल पुराने सैनिक इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आज हमारी डिफेंस एजेंसी के अपनी स्पेस की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, एक इंडिपेंडेंट वो है। इसी प्रकार से बहुत सारे जो सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स भी चेंज किए गए। दूसरा जो क्षेत्र था जो है इक्विपमेंट का, आज हम आपने देखा होगा सरकार ने अपनी सेना के लिए कितने नए तरह के वेपन्स, हमारे पास में जो असॉल्ट राइफल थी जिस पर हम डिपेंड कर रहे थे 7.62, वो शायद इतनी कारगर नहीं थी, अब उसको रिप्लेस किया जा रहा है भारत में बनी हुई AK-203 के साथ में। ये एक बहुत ही कामगर और दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट असॉल्ट राइफल्स होगी। इसी प्रकार से अगर हम देखें, चाहे वो पनडुब्बियों के क्षेत्र में है, चाहे वो पर्सनल इक्विपमेंट ऑफ द सोल्जर है, चाहे वो एयरक्राफ्ट्स हैं, हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का और अब एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एमका का हम निर्माण कर रहे हैं, तो इक्विपमेंट के क्षेत्र में एक बहुत प्रगति की जा रही है। और एक है टेक्नोलॉजी का फील्ड जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील्ड है, इसमें पैसा भी बहुत लगता है और बहुत कुशल वैज्ञानिकों की आवश्यकता होती है। वी नीड द टॉप साइंटिस्ट हु आर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इन अदर्स। देखिए इस सरकार के टाइम के ऊपर में अंतरिक्ष के अंदर में जो बड़े नए संकट आए, सारे का सारा वारफेयर जो है वो सैटेलाइट कंट्रोल होगा। आपका जो हवाई जहाज चलेगा या आपके जो रडार्स काम करेंगे वो सब सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट कंट्रोल होंगे। पर सर ये अग्निवीर जो है उनकी ट्रेनिंग सिर्फ 1 या 3 महीने की होगी, मतलब आर्मी चीफ ने कहा है दैट बाई डिसम्बर रिक्रूटमेंट हो जाएगी और मार्च तक डिप्लॉयमेंट हो जाएगी, ये कहाँ से आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं रेडार या सबमरीन के लिए, how will you train them इतनी जल्दी? मैं आपको इस पॉइंट पर आता हूँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं आपको अभी बताता हूँ, बट आई जस्ट टेल यू बिफोर दैट लेट मी टेल यू दैट इज इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव डन अ ग्रेट दिस थिंग, वी हैव गॉट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वी हैव गॉट एमका, वी हैव गॉट सबमरीन्स दैट वी हैव मेड, वी हैव बीन द न्यूक्लियर सबमरीन्स दैट वी हैव लॉन्च्ड, एंड वी आल्सो बिकेम अ स्पेस पावर, वी हैव हिट एट द सैटेलाइट्स, एंड द फोर्थ पेडेस्टल ऑफ इट इज द मैन पावर ऑर्गेनाइजेशन। Now, in the manpower reorganization, the point that you have raised was that is we must have a young, agile, fit, well-trained army. Okay. It is a contradiction, it's a paradox. कि भारत का वो देश जिसकी सबसे यंग पॉपुलेशन है उसकी एक ओल्डेस्ट आर्मी है, जहाँ पर 2030 के अंदर में 50% लोग 25 साल से कम उम्र के होंगे, उसी देश के अंदर में जो सेना की एवरेज एज है वो दुनिया के सबसे अधिक एजेंट आर्मीज में से है, तो हमें इसे उसको ठीक करना था। अब आपने प्रश्न किया कि यदि हमारे को अग्निवीर बनाते हैं या हम अग्निपथ के रास्ते पर चलते हैं तो किस प्रकार से हम उनकी ट्रेनिंग और उनको इक्विप कर पाएंगे इन नई चुनौतियों का, टू मीट द न्यू चैलेंजेस एंड द थ्रेट्स, विल दे बी कॉम्पिटेंट इनफ। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, फर्स्ट पॉइंट यू मस्ट अंडरस्टैंड, अग्निवीर विल नेवर कंस्टिट्यूट द होल आर्मी। अग्निवीर केवल पहले 4 साल में रिक्रूटेड जवान होंगे, बाकी लोग जो होंगे जिनका कि प्रोपोर्शन एक बहुत बड़ा होगा वो अनुभवी होंगे, दे विल बी एक्सपीरियंस, दे विल बी ट्रेन्ड एंड अदर, एंड दीज अग्निवीर दोज हु बिकम द रेगुलर्स इवेंचुअली विल गो थ्रू मोर इंटेंसिव ट्रेनिंग, विल एक्वायर द एक्सपीरियंस, विल बिकम मोर बैटल वर्दी एंड मोर एक्सपीरियंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
So Indian Army at any point of time will have a large number of people who though recruited as Agniveers but had been specially selected for their suitability, for their fitness, for their agility, for their motivation and for their aptitude for the job, and also did not have that sort of the personal problems by which they would like to leave the army and settle for something which is more stable and a personal life. So these persons will be well trained. So it is not only that the Indian Army will be having only this component. Yes, Indian Army will constitute at the level of the Jawans and the ORs who had been recruited through the process of Agniveers, specially selected, whose work, whose performance has been monitored and digitally monitored through various complex processes over a long period of time. Selection is one part. Even when you select people who are physically fit and others, it's a very small this thing. But when you observe them over a longer period of time, we are able to see that what sort of material do we have which will make the ideal soldier for the future. Imagine the army of 15 years hence, in which all those who have been recruited have come through the special 4 years probation period and then gone and joined the army.